नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ Mentor में। दोस्तों आज दिनांक 15 सितंबर 2020 लेकर के हाजिर हो गया आज का फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी का भी देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों सुभाष कामत को चुना गया है। सुभाष कामत को विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर बात करें हम ASCI की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है आपका। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की है। महाराष्ट्र के सीएम ने COVID-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की घोषणा की है। अगर बात करें महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके की, तो महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है और महाराष्ट्र के सीएम का नाम है दोस्तों उद्धव ठाकरे। अगर बात करें महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 288 है और विधान परिषद की संख्या की बात करें तो 78 है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अगर प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हलबा जनजाति, चोधरा जनजाति और ओरोन जनजाति प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। अगर महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें, तो दोस्तों महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है, जिसको हम संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। चांदोली नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवागांव नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। और इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। और इसी राज्य सरकार ने दोस्तों महापरवाना योजना शुरू की है और दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ भी किया है। और महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम दोस्तों नीला सत्यनारायण है और उसका अभी निधन भी हो गया है दोस्तों हाल ही में। और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? पहला शहर मुंबई बना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ष्ट्र राज्य सरकार ने सभी सेवारत सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। और इसके अलावा दोस्तों ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया जाना है। और इसके अलावा भारतीय डाक विभाग ने राज्य में 5-स्टार गांव योजना की भी शुरुआत की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में गरिमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों तो गरिमा योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गरिमा नाम की एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक सुरक्षा और कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। अगर उड़ीसा की स्टैटिक जीके को अगर हम लोग देखें, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा अगर उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 147 है। और अगर उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की बात करें, तो उड़ीसा में दोस्तों उड़ीसी, छऊ, मयूर, कोयल आदि प्रमुख नृत्य है और उड़ीसा में कोंकण सूर्य मंदिर प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों सिमलीपाल और भितरकनिका उड़ीसा राज्य का प्रमुख नेशनल पार्क है। और अगर उड़ीसा की प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर हम जाने, तो वहां पे प्रमुख जो योजनाएं चल रही हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, अम्मा घरे योजना, LED सुनित्रा स्कीम, पेठा स्कीम, कालिया स्कीम और सरकार योजना, परिवार योजना, मधु ऐप उड़ीसा और मोबाइल जीवन कार्यक्रम और मोबाइल प्रतिभा कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। और उड़ीसा हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है दोस्तों सावित्री राठौर। और इसके अलावा दोस्तों बंदे उत्कल जननी उड़ीसा राज्य की राजकीय गीत बन चुका है। तो अगर आप आपसे परीक्षा में पूछा जाए उड़ीसा राज्य का राजकीय गीत कौन सा है, तो आप सही जवाब मारेंगे बंदे उत्कल जननी। इसके अलावा दोस्तों इंटैंक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की गई है।
इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य में मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की गई है। और लिंगराज मंदिर हमारा उड़ीसा में है। और दोस्तों नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय 2+2 अंतर व्यावसायिक बैठक हुई है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय 2+2 की अंतर व्यावसायिक बैठक हुई है। अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। वहाँ की करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में इटली में आयोजित Formula 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के मुगेलो सर्किट इटली में आयोजित Formula 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह सीजन में या मतलब इस सीजन की यह उनकी 6वीं जीत है और उनके पूरे कैरियर की 19th F1 जीत है। कौन सी? 90 नंबर की 90वीं। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनाई गई है? तो 343 अनुच्छेद के तहत दोस्तों अपनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर आपको UPSI और RO के परिपेक्ष से। फिर समझिएगा ध्यान से कि जो हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 के तहत अपनाया गया था भारतीय संविधान में। और पूछा गया अगर विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया गया तो 10 जनवरी को कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे भी बन सकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू के पास हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी है? तो दोस्तों जितेंद्र सिंह ने क्या किया, जम्मू के पास हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के नजदीक हीरानगर में अरुण जेटली स्मारक खेल संकुल की आधारशिला रखी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? दोस्तों तो US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 डोमिनिक थियम ने जीता है। किसने? डोमिनिक थियम ने जीता है। उसके बाद USA ओपन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 जापान की नोमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछेगा US ओपन मेंस टूर्नामेंट पूछेगा तो डोमिनिक थियम, और अगर US ओपन का वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट पूछेगा तो वुमेन टेनिस टूर्नामेंट जीता है नाओमी ओसाका ने जीता है। इसके अलावा बात करें, अगर डोमिनिक थियम की बात करें तो डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, वहां की करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन्डर बेलन। क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन्डर बेलन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में जापान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों योशिदे सुगा। क्या नाम है? योशिदे सुगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के अध्यक्ष हैं, जिन्हें जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वे शिंजो आबे की जगह लेंगे। अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां की करेंसी क्या है? येन है। क्या है? येन है। देन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में राज्यसभा का उप सभापति किसे चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में राज्यसभा का उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। हरिवंश नारायण सिंह को दोस्तों एक बार फिर से राज्यसभा का उप सभापति चुन लिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने स्पेशल फोर्स बनाई है जो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या गिरफ्तारी कर सकती है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जो बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किए आपको गिरफ्तारी कर सकती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया है। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। जो कौन कौन से
हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। अगर बात करें केंद्रीय विदेश मंत्री की तो वो कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों सुब्रमण्यम जयशंकर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के गृह प्रवेश कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है, तो मध्य प्रदेश के गृह प्रवेश कार्यक्रम को दोस्तों नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में दोस्तों 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस अभिनेता ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, तो दोस्तों सोनू सूद ने यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। यह प्रोग्राम उन छात्रों को मदद करेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इससे उनको उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाएगी। और आते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन पे, तो अंतिम क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज पर 7 साल का बैन खत्म हो गया है, तो दोस्तों एस श्री संत पे 7 साल का बैन खत्म हो गया है। एस श्री संत पर मैच फिक्सिंग के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल का बैन लगा दिया था। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं सेशन बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर, क्या है, 7268095484, इन नंबरों पर दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN क्या लिखेंगे, ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने आईक्यू मेंटर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, इसके अलावा जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज है, अपकमिंग सिलेबस है, लेटेस्ट एग्जामिनेशन है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है और जितने भी जो लेटेस्ट बुक्स आती हैं वो सारी बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और जो भी एग्जाम्स होने वाले होते हैं उन एग्जामिनेशन संबंधित आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बहुत सारा फायदा आपको हमारे स्टडी ग्रुप में भी मिलने वाला है और यूट्यूब पर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों जगह पर हमारे साथ जुड़िए, अपने इस मुहिम को सफल बनाइए, अपनी तैयारियों को एक नए आयाम तक ले जाइए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।